मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज जिला अस्पताल के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर खाने के ठेले हटवाने पुलिस पहुंची, जिस पर ठेला स्वामिनी और उसकी बेटियों ने महिला पुलिस कर्मियों से मारपीट कर दी। यही नहीं बल्कि उनके ऊपर सब्जी और रायता तक गिरा दिया। इस घटना का वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मां और उनकी दोनों बेटियों को थाने लाया गया और नगर निगम की टीम बुलाकर ठेला और सामान जब्त कर लिया गया। वहीं ठेला स्वामी सतपाल सैनी ने पुलिस कर्मियों पर जबरन खाने का आरोप लगाया है। सिविल लाइन से जिला अस्पताल के बाहर कई खान पान के ठेले लग जाते हैं, जिनसे अतिक्रमण जैसी स्थिति बन जाती है। कई बार इन्हें यहां से हटवाया गया, लेकिन फिर वो दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं। आज दोपहर सिविल लाइन पुलिस की एक टीम ठेले हटवाने गई थी, जिस पर ठेला स्वामिनी और उसके दोनों बेटियों ने पुलिस कर्मियों से मारपीट पर उतर आई। यही नहीं बल्कि उन पर सब्जी और रायता तक उनके ऊपर गिरा दिया गया। पुलिस जबरन उन्हें गाड़ी में बिठाकर थाने ले आई। वहीं उधर ठेला स्वामी सतपाल सैनी ने उल्टा पुलिस पर अवैध वसूली और फ्री में खाना ना देने पर जबरन ठेला हटवाने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक उसके परिवार की रोजी रोटी इसी से चलती है। पुलिस जानबूझकर परेशान कर रही है। पुलिस के अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया और फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि इंस्पेक्टर सिविल लाइन नवल मारवाहा के मुताबिक पुलिस कर्मियों से अभद्रता और मारपीट का मामला दर्ज किया जा रहा है। क्या हुआ था बता दो। कुछ नहीं हुआ ना, आपको ही दिखाई दे रहा क्या भैया? अरे तुम में ज्यादा गुस्सा आया मेरे ख्याल में। ना आपको ही दिखाई दे रहा, मुझे लग रहा है। अब कोई बात ना, जो हो गया हो गया। अब तुम भी बात बताओगी क्या हो गया क्या? कोई बात नहीं। अरे वो ना डर रही है किसी बात से। बहुत बढ़िया है ये मामला, एकदम तेजी में। यहाँ से गिरानी है उधर सही बात है। दिखा दिखा इधर को। आज आपके ठेले पे मार पिटाई हुई है, क्या हुआ है? ठेले पे मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन बच्चे ये फोन पे बता रहे थे कि वो धीरज है, वो धीरज जब भी ड्यूटी पे आता है तो हमें ही जानबूझ के परेशान करता है और वो बार बार धोख देता है। अगर बच्चे खड़े होते तो मैं लेडीज़ पुलिस को बुला के बंद करा दूँगा, भिजवाऊँगा, तेरे बाप को जेल करवा दूँगा। हम 8 सालों से यहाँ ठेला लगा रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और हमारे पास कोई कार्य नहीं है। इसी में पढ़ाई लिखाई हमारी सब चल रही है, इसी में बच्चों का सारा मतलब देख रेख सब इसमें हो रही है। और हम कहाँ जाएँ, और हमें कोई काम आता नहीं। सब आज यहाँ पर उन्होंने मैं सारा कोस आकर फेंक दिया और सारा सामान फेंक गया खाने का और बच्चों को उठा के ले गए। तो मारपीट भी हुई है यहाँ पे? मारपीट का मुझे नहीं पता, हुई होगी। अगर उन्होंने कहा होगा कि मतलब औरों के नहीं हटा रहे हो तो इस बात को हुई होगी, मतलब और बाकी सारे ठेले लग रहे हैं, एक हमसे ही उसको चिड़ है। क्यों है चिड़ फिर? चिड़ यूँ है कि वो धीरज जो है एक बार मेरे पास सब्जी लेने के लिए आया था, उससे उस सब्जी के पैसे ले लिए गए थे और इस चक्कर में वो जो है मुझसे बहुत जब से यहाँ आया है तब से ही चला हुआ है। बोला जब मैं ड्यूटी पर आऊँगा तुझे जरूर बताऊँगा। धीरज कौन है? धीरज एक पुलिस वाला है, कैम चौकी में है इस समय। अरे बच्चे कहाँ आपके हो? बच्चे थाने पर ले गया, वो बच्चे थाने में है, ये घंटा हो गया लगभग उनको। मुझे फ़ोन करा तो मैं मतलब अब आया हूँ और फ़ोन भी उनका जो चौक जा रहा है इस समय, फ़ोन भी ले लिया उनसे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।